अब भगवान वहां से निराश लौटे, क्योंकि जान गए कि ये अब किसी तरह समझने वाला नहीं है। भगवान लौट कर आ गए। अब तो युद्ध होना ही है, दोनों तरफ से ये पता चल गया कि युद्ध होना है महाभारत का। अपनी अपनी तरफ सेनाओं को इकट्ठा करने लगे, अपनी अपनी तरफ योद्धाओं को लेने लगे। जिसकी तरफ ज्यादा योद्धा होंगे वो उसकी विजय होगी, ऐसा सोचकर। लेकिन आज ऐसा हुआ कि भगवान की जरूरत तो सबको पड़ती। दुर्योधन भगवान की बात बिल्कुल नहीं माना, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो भगवान के पास मदद मांगने पहुंच गया। दोनों गए हैं, अर्जुन भी गए हैं, दुर्योधन भी गए, दोनों गए हैं भगवान के पास मदद मांगने। लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। एक भगवान से मांग रहा है और एक भगवान को मांग रहा है। दोनों में अंतर है। दुर्योधन भगवान से कहता है कि मुझे युद्ध में आपकी सहायता चाहिए, बताइए क्या कर सकते हो। भगवान ने कहा कि मेरी 11 क्षोणी सेना है, एक तरफ मेरी सेना है, दूसरी तरफ मैं हूँ, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूँगा। ये बात ध्यान रखना, किसी भी स्थिति में मैं युद्ध नहीं करूँगा। एक तरफ तो इस स्थिति में मुझे स्वीकार करना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, दूसरी तरफ मेरी सेना है जो शस्त्र लेकर के, बलवान सेना तुम्हारा साथ देगी और युद्ध करेगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कृष्ण चाहिए या कृष्ण की सेना। दुर्योधन क्योंकि बुद्धि से चलता था, भगवान के सामने बुद्धि नहीं चलती, अब बुद्धि से सोचता है, दिमाग लगा कर कहता है कि ये युद्ध ही नहीं करेंगे तो इनको क्या करूंगा लेकर। एकदम कह देता है कि आपकी सेना दे दीजिए, उपकार होगा। भगवान ने कहा तथास्तु, ले जाओ। अब अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए भी वैसा ही है, मेरी सेना भी है मेरे पास और मैं एक तरफ मैं हूं, पर तुम सुन चुके हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्या चाहिए, चुनाव कर लो। भगवान चुनाव भी हमारे ही हाथ में दे देते, चुनाव कर लो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो केवल आप ही चाहिए, मेरा क्या करोगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कहते हैं, प्रभु आप केवल युद्ध भूमि में खड़े भी रहोगे तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी विजय हो जाएगी। अर्जुन जानता है क्या चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु ये दुनिया मिले ना मिले, अर्जुन कह रहे हैं प्रभु दुनिया का साथ लेकर मैं हार भी सकता हूं, लेकिन आपका साथ यदि होगा तो मैं किसी भी जगह हार नहीं सकता। इसलिए बहुत भाव से, बड़े सुंदर मन से भगवान के श्री चरणों में आना चाहिए, बिना ये दिमाग लगाए, बिना बुद्धि लगाए, सिर्फ हृदय से, भाव से। मंदिर जाओ तो दिमाग मत लगाओ, कथा में आओ तो दिमाग मत लगाओ, किसी संत से मिलने जाओ तो दिमाग मत लगाओ, श्रद्धा से जाओ वहाँ पर, तब कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, आप खाली नहीं लौटोगे वहाँ से। ये कृष्ण कहते हैं, ये गोविंद कहते हैं, मेरा साथ तेरे हमेशा रहेगा। आज भक्त को लगा मानो सब कुछ मिल गया, आज वो खुश है कि मुझे सेना मिल गई और अर्जुन खुश है कि मुझे कृष्ण मिल गए। और अर्जुन मानो जैसे एक भक्त कहता है वैसा ही मन लेकर के कह रहा है, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। और आसरा मिलता भी नहीं है जहां, जब जब जरूरत पड़ती है तब तब दुनिया मिलती कहां है।
जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। ये भ्रम है हमारा, जैसे द्रौपदी को था ये रक्षा कर लेंगे, ये रक्षा कर लेंगे, ये रक्षा कर लेंगे, ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, पांच पांच पति है ये रक्षा करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य है, पिताओं के पिता भीष्म पितामह है, अरे राजा की गद्दी पर धृतराष्ट्र महाराज बैठे हुए हैं, ये रक्षा करेंगे, न्यायाधीश स्वयं बैठे हैं, तब अन्याय कहाँ होगा। भरोसा था लेकिन सबने भरोसा तोड़ा, किसी ने कोई मदद नहीं की। तब कौन काम आते हैं? कृष्ण। और यही होता है, अधिकतर यही होता है इस जगत में। जब जब सहारे ढूंढोगे तुम बेसहारा अपने आप को पाओगे। या तो अपने कदमों पर भरोसा रखना, तब रास्ते को तय कर पाओगे, और या फिर अपने कदमों में शक्ति के रूप में अपने कृष्ण पर भरोसा करना, तब मंजिल को पाओगे। बाकी जितने भर भी दिख रहे हैं ना तुम्हें सहारे, ये सहारे नहीं है, ये वैसाखियां हैं, न जाने कब साथ छोड़ दे, किसी का पता नहीं है। कौन दो कदम चलेगा, कौन चार कदम चलेगा, क्या पता है तुम्हें? नहीं पता ना। कौन दो कदम चले, जिस पति के साथ साथ फेरे लेकर के आए, जिस पत्नी के साथ बंधन में जुड़े, रिश्तों में जुड़े, क्या आज वो रिश्ते टूट नहीं रहे हैं? बोलो, जब रिश्ता जोड़ा था तब ये सोच के जोड़ा था क्या? जब ये रिश्ता जुड़ा था तब ऐसा सोच के जोड़ा था क्या? सोचा तो यही था कि पूरे जीवन भर का साथ। और यहाँ तो पति पत्नी के रिश्ते को तो सात सात जन्मों का रिश्ता बताते हैं, सात सात जन्मों का रिश्ता। सात जन्मों का तो बात छोड़ दीजिए, सात जन्मों की दुहाई देते हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, एक जन्म तो ठीक से निभा लीजिए, एक बारी तो ठीक से निभा लीजिए। पर कहीं कभी कभी लगता है वहां भी चार कदम चल के लोग छूट जाते हैं। जिस औलाद को पैदा किया, जन्म दिया, कई बार उसका भी साथ छूट जाता है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। इसलिए भरोसा करो, सच्चाई यही है, सत्य यही है। अरे दूसरों की तो बात छोड़ दो, आपका शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा, दूसरे की तो किसकी आप बात करते हो। जिसके साथ 24 घंटे चिपके हो वो है शरीर, और एक दिन ये भी साथ छोड़ेगा तो उम्मीद किससे करे बैठे हो? किस दुनिया से उम्मीद है कि ये जीवन भर साथ निभाएगा? ये शरीर भी न जाने कब साथ छोड़ दे, इसका कोई भरोसा नहीं। तो भरोसा किसका है? केवल और केवल कृष्ण का है। वो शरीर के रहते भी साथ है, शरीर से पहले भी था और शरीर के बाद भी रहेगा। केवल भरोसा कृष्ण का है, वो सदैव था, सदैव है और सदैव रहने वाला है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा, उसी पर हमें भरोसा नहीं है तनिक भी। दुनियादारी में कोई एक बार कह दे कि हम आपका साथ देंगे, आप हम पे भरोसा करो, तो भरोसा हो जाता है। लेकिन कृष्ण बाहें फैला के खड़े हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझ पर भरोसा करो। आज भी साक्षात कृष्ण है और भरोसा किया दुर्योधन यहाँ अर्जुन ने, और भरोसा नहीं किया दुर्योधन ने। ये दोनों पात्र ऐसे हैं, अगर दुर्योधन को भरोसा होता तो कृष्ण के पक्ष में खड़ा होता, या कृष्ण उसके पक्ष में खड़े हो। यहाँ भरोसा ही नहीं था। भगवान उसी के पक्ष में है जो भक्त भगवान पर भरोसा करता है। और भरोसा होता दुर्योधन को भगवान पर तो कभी महाभारत जैसे युद्ध की स्थिति ही नहीं आती। भरोसा होता श्री कृष्ण पर तो उसी समय बात मान लेते जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर समझाने गए थे।